जहाँ पर हमारा कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, उसको लेकर हमारे प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल आरिफ जी, हमारे युवा नेता विक्की जी, वरुण जी, हम सब ने यहाँ पर विज़िट किया था और यहाँ जो काम चल रहा है उसको यहाँ पर देखा है। हम पीछे बैठे थे तो तब ये बात हुई थी और लोगों का भी ये कहना था, शहर की जनता का ये कहना था कि यहाँ नीचे जो है 10-10 फुट के तक जो है वो टाइलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी जब शादी होती है कुछ होता है तो वो साफ़ नहीं हो सकती, उसमें जो गंदगी लग जाती है, कोई सब्जी गिर जाती है, कोई कुछ हो जाता है तो साफ़ नहीं होती, इसलिए वो टाइलिंग आपने देखा होगा कि 10-10 फुट की यहाँ पर टाइलिंग हो रही है और उससे इसकी खूबसूरती को जो है बढ़ावा मिला है। जो ऊपर वाला छोटा हॉल है इसमें भी हमारी जो है काउंसिल जो है यहाँ पर टाइलिंग करवा रही है। कुल मिलाकर जो दरवाजे जहाँ टूटे हुए थे और जो काम था उसको भी करके लगभग 27-28 लाख रुपए का काम यहाँ पर चल रहा है। मैं मुबारक भी दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा एमसी राजौरी का, प्रेसिडेंट साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का, भारत जी का, कि उन्होंने इस काम को जो लोगों की, यहाँ की जनता की एक बड़ी डिमांड थी उसको पूरा किया है। और आज के दिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजौरी के अंदर डेवलपमेंट इस समय बड़ी तेज़ी से हो रही है, चाहे हम यहाँ पर सर्कुलर रोड्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पर ब्रिजेस की बात करें, चाहे अगर हम यहाँ पर पार हमारा बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, बड़ा एक हमारा हेरिटेज स्कूल है, सब लोग वहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ जो है जो बिल्डिंग जो है वो बन रही है। उसके अलावा भी एक काम जो रह गया है, मैं उसका भरकस प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जब मैंने एक काम शुरू किया था जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, और बार बार हमारे कुछ लोग वहाँ मीडिया को लेकर वहाँ पर क्लिक लगाते हैं और कहते हैं कि जी भाई ये 1.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था और ये रुपये कहाँ चले गए। वो प्रोजेक्ट जो था 1.5 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके अंदर वो प्रोजेक्ट कहीं सेंक्शन नहीं हो पाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ आज तक 8 लाख रुपये आए हैं, वो डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर के बीच की बात है। मैंने दोबारा से उसका प्रोजेक्ट बनवाया है 2.5 करोड़ रुपये का, और मेरा प्रयास है कि वो हमारा जो सलानी ब्रिज है, सलानी ब्रिज से लेकर हमारा जो दुधाधारी आश्रम ब्रिज है उसके बीच में वो जो एक प्रपोजल था कि वो बने, उसका मैं बरकस प्रयास कर रहा हूँ। आज के दिन में इतना कहना चाहूँगा कि राजौरी के अंदर पानी की ज़रूर किल्लत है, उस वो किल्लत मैंने जब MLC था तो यहाँ पर मैंने एक फिल्ट्रेशन प्लांट एती के लिए रुपये लाए थे 6.5 करोड़ रुपये। बदकिस्मती यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक उस प्रोजेक्ट को, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन आई और चली गई, वो उसके लिए जिनकी ज़मीन थी उनके कंपनसेशन की बात थी सेक्रेटरीट से, उनका भी मैंने 60 लाख रुपया लाया, वो आज बैंक में जमा है, लेकिन वो 6.5 करोड़ से उस प्रोजेक्ट को लैंग्वेजिंग में लाकर मैंने 10 करोड़ का बना दिया, लेकिन वो काम चालू नहीं हो सका। कल जब मैंने एक्शन से बात की, उसने कहा कि भाई ठेकेदार ने मना कर दिया, उसने कहा 6 साल पहले ये टेंडर हुआ था फिल्ट्रेशन प्लांट का और उस समय रेट्स कुछ थे, 6 साल के बाद रेट्स बड़े हाई हो गए, मैं अब उस मैं काम नहीं करूँगा। मैं जाकर, मेरा प्रयास है कि जम्मू जाकर मैं हॉनरेबल LG साहब से भी मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि वो फिल्ट्रेशन प्लांट का काम शुरू हो, ताकि यहाँ पर जो पानी की किल्लत है वो पूरी जो है हो सके। उसके अलावा बिजली की भी आज, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी परेशानी फिर नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के अंदर यहाँ पर एक कंपनी है, उस कंपनी ने काम लिया था PMADP कुछ IPDS कंपनी ने, और उसके यहाँ पर 22 ट्रांसफार्मर लगने थे और कोई 100 KV का था, कोई 250 KV का था, लेकिन वो कंपनी आज तक काम नहीं कर सकी। बार बार मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की और यहाँ का जो PDD डिपार्टमेंट है उनसे भी बात की, अगर वो प्रोजेक्ट सेंक्शन है, उनका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि वो कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूँगा कि ये जो बिजली और पानी के प्रोजेक्ट सेंक्शन हैं, सेंक्शन होने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं हो रही हैं और लोगों को परेशानी आ रही है, उन मामलों को वो देखें और उन मामलों को हल करने की कोशिश करें। यहाँ पर इस समय जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि भाई राजौरी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शहर है, इस शहर के अंदर और प्रोजेक्टों की लाने का भी प्रयास करें। म्यूनसिपल कमेटी से ये कौंसिल बनी, इस कौंसिल के 17 वार्ड हैं और उसमें से 5-6 से 7 वार्ड ऐसे हैं जो अनडेवलप्ड हैं। इन्होंने यहाँ पर एक प्रयास किया कि प्राइवेट कंपनी को कुछ वार्ड दे दिए सफाई के लिए, मैंने देखा है कि उसमें कोई कामयाबी इतनी जो है वो नहीं आई है। मैंने इनसे भी बात की है और मैं बाकी अपने जो हमारे जो लोग हैं पार्टी है उनसे बात करेंगे कि ये इसमें कोई कामयाबी नहीं है। मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब से ये कहा है कि आप भी जाकर कोशिश करें कि आपके कौंसिल के लोग 17 के 17 लोग जो है LG हॉनरेबल LG साहब से मिलें और अपने कौंसिल की बात करें। यहाँ सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है,
जब मैं MLC था तब मैंने यहाँ पर 32 सफाई कर्मचारियों के एडिशनल यहाँ पर वो पोस्ट लाई थी, जिसके कारण थोड़ी सी भरपाई हुई है, लेकिन कम से कम 50 सफाई कर्मचारियों की जहाँ और ज़रूरत है उसके लिए इनको प्रयास करना चाहिए। जम्मू जाकर कंसर्न अथॉरिटीज से मिलना चाहिए, हॉनरेबल LG साहब से भी मिलना चाहिए। मैं मुबारक दूंगा म्यूनसिपल काउंसिल को, यहाँ के प्रेसिडेंट को, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट को, यहाँ के कॉरपोरेटर्स को, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से व्यवस्था रखते हो, लेकिन एक अच्छा काम चल रहा है, इसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। जिन जिन इलाकों के अंदर वो सफाई कर्मचारी भेजें और प्रयास करें कि एक बड़ा प्रोजेक्ट एक समय में हमने सोचा था वो आज तक नहीं हो पाया, कि यहाँ पर हर जो हम देखते हैं मोहल्ले के अंदर हमारी लाइट लगी होती है और लाइट ख़राब हो जाती है, वो इसलिए ख़राब होती है कि वो 24 घंटे लाइट चलती है, लाइट कभी तेज़ होती है, फ्लक्चुएट होती है, कभी कम होती है, कभी तेज़ होती है, और उसके अंदर वो हमारी ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट बना था कि म्यूनसिपल काउंसिल और PDD मिलकर उस प्रोजेक्ट को बनाए, जिसके अंदर की स्विच बोर्ड भी लगे हों और सारा सिस्टम हो, ताकि हमारी लाइट जो है वो ख़राब ना हो सके। ठीक कहा आपने इस बात को लेकर कि यहाँ पर जो टूरिस्ट हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं डिफंक्ट तौर पे काम कर रहा है। जिस ढंग से यहाँ पर प्रोजेक्शन करनी चाहिए, यहाँ के हमारे हम 7 लेक्स की अगर हम बात करें, हम यहाँ पर नूरी छम की बात करें, यहाँ पर हम अपने शाहदरा शरीफ की बात करें, नगाली साहब की बात करें, हम यहाँ पर बुड्ढा अमरनाथ की बात करें, यहाँ रिलीजियस टूरिज़म भी है। और अगर हम देखें कि खूबसूरती के हिसाब से भी देखें कि वहाँ यहाँ पर पिछले दिनों आपने देखा धरहाल के अंदर एक झरने में हमारे लोग जाने शुरू हुए, अच्छे तरीके पर खूबसूरत पूरी खूबसूरत वैली है कोटरंका की अगर हम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हम फेलियर है हमारा, कि हम सब लोग जितने पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी हम लीडर लोग हैं, हम पूरे तरीके से अपने रजौरी पुंछ को फोकस नहीं कर सके, जिसके कारण यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहा। मेरा आपसे ये वादा है, मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हम इसको पूरे तरीके से, हम पिछले दिनों हमारे जो DDC मेंबर मलिक इकबाल जी हैं, मैं और वो LG साहब जाने पर LG साहब से मिले थे और हमने शक्करमर्ग की बात की थी कि शक्करमर्ग तक रोड बननी चाहिए। 100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही वो प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा और उससे उस इलाके के अंदर टूरिस्ट जाए। देखिए आपने ये कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके लिए हमने बड़ी लड़ाई पहले भी लड़ी है, ये ठीक बात है कि यहाँ पर करोड़ों रुपये लग के यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पर जो है वो पार वो उसका सेंटर बना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको शिफ्ट जम्मू में शिफ्ट हो गया और जम्मू में भी बैठ के थोड़ा बहुत यहाँ पर करते हैं। हमने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो चालू हो सके।